हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सिद्धि, गुड मॉर्निंग एजे, गुड मॉर्निंग बबली, गुड मॉर्निंग शशि, गुड मॉर्निंग रजनी, गुड मॉर्निंग सरगन, गुड मॉर्निंग शशि, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के भाई? ऑल गुड? दिव्या गुड मॉर्निंग, काजल जय श्री राम भाई, खुश रहो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। दिगेंद्र गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? आलम गुड मॉर्निंग, सब ठीक है? तो सब ठीक ही रहना चाहिए भाई, है? गुड मॉर्निंग रितु, रजनी, ओके आदित्य गुड मॉर्निंग। तो भाई एक बार क्या आप लोग क्लास को शेयर करने की कृपा करेंगे? निशी गुड मॉर्निंग, खुश रहो भाई। मैं बढ़िया रजनी। अच्छा ये आरबी ही है, है? क्यों तुम्हारा वहां पर शॉर्टकट चल रहा है? चलिए तो भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक टीचिंग पे। वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं एकदम बढ़िया हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी भी आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। ओके तो सबसे पहले मैं आपके साथ में कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहूँगी। अनीता गुड मॉर्निंग, ओके उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके गुड मॉर्निंग वंस अगेन। चलिए तो पुष्पांजलि गुड मॉर्निंग, आप सब लोग पूरी क्लास में बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको कवर कराने वाली हूँ क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एकदम सारे जितने भी पॉइंट हैं आपके, और आपको लिखा करके करा रही हूँ ताकि आप लोगों की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो भी नोट्स हैं वो आपका तैयार हो जाए, ठीक है? इसलिए तो ये मेन पर्पज है इसको आज लिखा करके पढ़ाने का। ओके एक बढ़िया टॉपिक है, सीटेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछली बार तो इस बार भी पूछे जाएंगे ही जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। ओके और बढ़िया से सुंदर से नोट्स भी बना लीजिए और शेयर भी कर दो क्लास को जल्दी से। चलिए तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ में जुड़ करके आप अपने सीटेट के एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, या अगर आप किसी नॉन टीचिंग एग्जाम जैसे लाइक एसएससी या यूपीएससी या किसी भी किसी नॉन टीचिंग एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को जरूर ज्वाइन करें अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए। क्यों ज्वाइन करना है, क्या रीज़न है वो मैं आपको बता देती हूँ। रीज़न ये है क्योंकि भाई जो टेस्ट बुक है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपको वीडियो कोर्सेज भी मिलते हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, आपको डाउट क्लासेस मिल जाती हैं। और आपको बता दूँ आज 12 बजे मेरी सुपर कोचिंग पे क्लास भी है ना। स्मार्ट बोर्ड वो थोड़ा सा ना कैमरा का कुछ इशू आ रहा है तो वो फिक्स होने में टाइम लगेगा। कल वो है ना, परसों मैंने ठीक कराया उसको, कल फिर वो ख़राब हो गया, ठीक है शाम को, और फिर इसलिए मुझे आज लेनी पड़ रही, तो उसको कुछ परमानेंट सोल्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है उसके साथ में, ठीक है मैं देखती हूँ और फिर उसको ठीक करती हूँ। ओके चलिए तो भाई आइए, तो आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, स्टडी नोट्स भी मिलेगा, डाउट क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे, तो सब कुछ आपको मिल जाता है कहाँ पर? सुपर कोचिंग पे। जब आप टेस्ट बुक को ओपन करेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलता है सुपर कोचिंग पे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए उसको। ओके तो यहाँ पर टॉप फैकल्टीज आपको मिल जाती हैं जिनके साथ में आप अपने सीटेट के एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके तो भाई फीस अलग अलग मंथ की अलग अलग फीस है, लेकिन आपको मैं 20% डिस्काउंट दिला सकती हूँ। कैसे? आप जब कोड यूज करेंगे मोनिका 20 तो इससे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट ऑन सुपर कोचिंग। ओके तो जल्दी से भाई आप लोग ज्वाइन कर लो सुपर कोचिंग को, 12 बजे मेरी क्लास है तो मिलेंगे हम 12 बजे वहां पे। गुड मॉर्निंग भूमिका, शिवि, पूजा गुड मॉर्निंग। ओके चलिए बाकी क्लासेस का टाइम एक बार शेयर करना चाहूंगी भाई। सीटेट की जो आपकी क्लासेस है मंडे टू फ्राइडे 10 बजे सुबह होती हैं, और टेस्ट बुक ऐप पर मेरी प्रैक्टिस क्लास होती है, और 12 बजे मेरा 12 बजे और शाम को 7 बजे मेरी टेस्ट बुक सुपर कोचिंग पे जो कि पेड क्लासेस है वहां पर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। उसमें प्रॉपर एक सीरीज चलेगी तो आप लोग भी उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। ओके तो भाई आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले आपके जो भी एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब जो पैटर्न चेंज होगा तो वहां पर आपसे यहाँ के क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। ओके तो इतनी बात उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक आपको? क्लियर किरण गुड मॉर्निंग।
प्लीज क्लास को शेयर कर दो भाई सब लोग जल्दी जल्दी से एक बार। एनी डाउट? डेढ़ बजे वाली क्लास होगी ऋतु, एकदम होगी, 1:30 बजे आइएगा आप क्लास में, ठीक है? वो एकदम होगी भाई, उसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं है। सीटेट देना है भूमिका, देन आप लोग सुपर कोचिंग को भी सीटेट देना है, वो लोग सुपर कोचिंग जरूर ज्वाइन करें मेरा कोड यूज करके, जो कि है Monica20 MONIKA20। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें फिर क्लास को, बीच में ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम सेशन को आगे बढ़ाते ताकि किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, और जहां पर भी मुझे लगेगा कि आपको किसी तरह का कोई डाउट है वहां पर मैं रुक करके खुद ही आपको क्लियर कर दूंगी, बताते हुए आगे चलूंगी, ठीक है? आइए, चलिए तो भाई हम नई शिक्षा नीति को डिस्कस करें। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो 1968 और 1986 में आई थी। इसके बाद में कोई भी शिक्षा नीति नहीं आई। 34 वर्षों के बाद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपकी आई। ये शिक्षा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज आया, ठीक है? यहाँ पर कई सारे चेंजेस के बारे में बात करी गई, तो इन सब को मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं इन पॉइंट को ज़रूर लिख देती हूँ आपके लिए कि 1968 एवं 1986 के बाद 34 वर्षों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, ठीक है, आया। तो ये आपके एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस लेकर के आया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातों को कहा गया जिससे कि शिक्षा में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, और जो बच्चे हैं उनमें एक चेंज आएगा, जो बच्चे अब पढ़ाई करेंगे उनकी तैयारी, उनके फ्यूचर में एक बहुत बढ़िया चेंज आएगा। ओके, तो ये चीज़ आपकी होकर के आई 34 वर्षों के बाद में। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस आपके NEP को हम डिस्कस कर रहे हैं अब, ठीक है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होता है मैं लिख देती हूँ। NEP 2020 में प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या रख दिया गया, लिखो जरा सा, तो शिक्षा मंत्रालय होगा, ठीक है? तो ये चीज आपकी हो गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ओके, अब आप मुझे ये बताइएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले किस राज्य ने लागू कर दी? कौन मुझे आंसर करेगा भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले किस राज्य ने लागू कर दी भाई, जल्दी से बता दीजिए आप मुझे। चलो, गुड मॉर्निंग एजे, पम्मी, 12 बजे कौन सी क्लास है? 1:30 बजे बेटा, 12 बजे मेरी पेड क्लासेस हैं जो सुपर कोचिंग पे होंगी, 12 बजे और 7 बजे वाली। 1:30 बजे मेरी फ्री क्लास है जो कि मास्टर क्लास होगी, ठीक है? क्या हुआ, किसको नहीं दिख रहा है? बहुत बढ़िया, हाँ हाँ काजल, एकदम। तमिलनाडु नहीं भाई, तमिलनाडु नहीं, इट्स कर्नाटका, ठीक है? सबसे पहले ये इम्प्लीमेंट हो गई आपकी कर्नाटका में। ओके, गलत नहीं आंसर कीजिए आप कोई भी बच्चे। चलिए, तो अभी प्रॉपर बनाते चलो, क्वालिटी चेंज कर लो अगर कोई भी किसी भी तरह की समस्या आ रही है आप लोगों को, ठीक है? चलिए, तो भाई ये किसकी अध्यक्षता में ये आपकी कमेटी एक गठित करी गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, इसरो वैज्ञानिक पद्म विभूषण से
पुरस्कृत वैज्ञानिक आदरणीय कस्तूरी रंगन, ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2019 में भारत सरकार, ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक है, को एक रिपोर्ट पेश किया इन्होंने। ओके, तो नाम कौन सा याद रखना है, कस्तूरी रंगन, ठीक है, ये नाम याद रखना है। ये जो कमेटी गठित हुई थी, इनकी अध्यक्षता में गठित हुई थी, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी। ओके, तो रिपोर्ट पेश किया गया। ओके, तो भाई यहां तक किसी को कोई डाउट, मैं एक बार आपके कमेंट ले लेती हूँ, चाहो तो लिख लो इसको जल्दी से, लिख लो भाई। ठीक है, अरे वो भी डिस्कस करेंगे हम, क्यों टेंशन ले रहे हो, 12 बजे आज से है। ओके, हाँ क्लियर है ना सब लोगों को। ओके ग्रेट, तो भाई इसरो वैज्ञानिक पद्म विभूषण से पुरस्कृत वैज्ञानिक आदरणीय कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2019 में भारत सरकार को रिपोर्ट पेश करी गई, जहाँ बहुत सी चीज़ों के बारे में बोला गया कि हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो है ना बच्चों की एजुकेशन के ऊपर फर्क आएगा। तो भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने का उद्देश्य क्या रहा है, हम उसको देख लेते हैं, क्या पर्पज रहा है ना, उस चीज को डिस्कस करते हैं। आइए, तो मेन पर्पज इसके ये थे कि भाई भारत को ग्लोबल लेवल पर शैक्षिक रूप से हमें क्या करना है, हमें महाशक्ति बनाना है, और भारत में शिक्षा का सार्वभौमीकरण, शिक्षा की गुणवत्ता उच्च बनाना है। तो ये दो मेन पर्पस थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आने के। ओके, तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए, भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना, ठीक है, और क्या करना है, तो और हमें ये करना है कि भारत में शिक्षा का सार्वभौमीकरण, शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च बनाना, ठीक है, मतलब जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको हाई किया जाए, जहां हम रोट लर्निंग वगैरह के ऊपर फोकस कर रहे हैं, चीजें एकदम है ना वो हो रही हैं, बच्चे का फ्यूचर एकदम खराब हो रहा है, तो यहाँ पर यही चीज डिसाइड करी गई कि हम ग्लोबल लेवल पर भी निकल करके आए, और भारत में भी हमारी जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता क्या हो, उसकी गुणवत्ता बढ़िया हो सके। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्लियर है, चले आगे, डन एवरीवन। ओके, तो भाई इसके कुछ और भी उद्देश्य हैं, ये मेन पर्पस थे बेसिकली जिनको हमने डिस्कस किया, कुछ अन्य उद्देश्य भी इसके रहे हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं और उनको भी आप लोग लिख लीजिए, है ना, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये टॉपिक अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लाइव क्लास चल रहा है, बाद में आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, है ना, तो लिख लीजिए अन्य उद्देश्य। आइए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपकी तकनीकी शिक्षा मीन्स टेक्निकल एजुकेशन जो है, और जो क्रिएटिव एजुकेशन रचनात्मक शिक्षा, इन पर प्रॉपर ध्यान दिया गया, जोर दिया गया, लिखिए आप लोग, तकनीकी शिक्षा, इसी के एमसीक्यूज कराऊंगी मैं आपको दोपहर को 1:30 बजे, ठीक है, और आज मेरी 12 बजे सुपर कोचिंग पे क्लास भी है, एक प्रॉपर हम लोग सीरीज को स्टार्ट करें जिससे सीटेट की तैयारी में आसानी होगी आप लोगों को, रचनात्मक शिक्षा एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर
जोर देना, ठीक है। तो ये एक उद्देश्य रहा। इसके अलावा यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर हमारा शुरुआत में चलता था 10+2 का, वो स्ट्रक्चर चेंज हुआ। अब स्ट्रक्चर आपका कौन सा हो गया, 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर अब हम फॉलो करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है, इसको आप लोग लिख लीजिए। 5+ इसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगी, पर आधारित शैक्षिक संरचना, ठीक है। एक और उद्देश्य आपका था कि 2030 तक सकल मींस ग्रॉस, मतलब जो बच्चे हैं है ना, उनका एडमिशन हो, नामांकन किया जाए, ये जो अनुपात है, ये जो रेशियो है, वो 100% कर दिया जाए, ठीक है। तो 100% करना। और जो हमारी टोटल जीडीपी है, जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने के लिए बोला गया। ओके, तो जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा, तो ये भी चीज यहाँ पर डिस्कस करी गई, ठीक है। तो यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट किसी भी बच्चे को जल्दी से बता दो भाई, एनी डाउट। कमेंट देख लेती हूँ मैं एक बारी आप लोगों के, क्या सुनने सुनाने की बात हो रही है। हाँ बोलो बोलो पूजा, मैं सुन रही हूँ, सुनाओगी तब ना सुनूंगी। क्या कह रहे हो, कहना क्या चाहते हो वो बोलो। सकल मींस ग्रॉस, ठीक है, टोटल। ओके, ठीक है, तो चले आगे। देखो इंटरप्ट बीच बीच में बिल्कुल नहीं करना है, है ना, नहीं तो फिर फ्लो जो है वो टूट जाता है भाई। ओके आइए, तो तक भाई ये चीज आपके डिस्कस हो गई। अब हम कुछ अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यहाँ पर उनको देख लेते हैं। अब पॉइंट बना करके आप लोग लिखिएगा, तो एडुकेशन को तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ा जाए और डिजिटल बनाया जाए, मीन्स जितनी भी कंप्यूटर है, लैपटॉप के थ्रू, है ना, ICT, बेसिकली इन्होंने जो भी आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है एडुकेशन में उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में बात करी, ठीक है। तो लिख लीजिए भाई, शिक्षा को तकनीकी से जोड़ा जाए तथा डिजिटल बनाया जाए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब यहां पर क्या अगला इन्होंने बोला कि जितने भी विषय हैं उन सब का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद होना चाहिए, मेन जितने भी सब्जेक्ट है वो बच्चों को, भाई ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप एक ही लैंग्वेज लेकर के चल रहे हो, तो सभी विषयों का क्षेत्रीय भाषा में, मैं एक बार इन सबको एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। ओके, अभी आप लोग अच्छे से नोट्स बना लो इनका, और 1:30 बजे MCQs कराऊंगी तो गलत नहीं होने चाहिए। अगला पॉइंट और क्या आपका आता है भाई, क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन प्रारंभ करने के बात करते हैं और कोडिंग एजुकेशन देने के बारे में बात करते हैं कक्षा 6 से ही, मतलब कितना हाई लेवल का वो एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया है ना। तो लिख लो आप लोग भाई, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ हो तथा कोडिंग शिक्षा सिखाई जाए। ओके डन, जल्दी से बता दो, एनी डाउट। सुपर डेट की कब लेके आ रही, सुपर डेट की लेके आऊंगे मैं, जल्दी आऊंगी। ओके, अरे शुरुआत में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था 1968 में, जिस तरह से आपका यहाँ पर बात की, हाँ जीडीपी का 6%, राइट, जिस तरह से यहाँ पर चीजों को ऐड किया गया है ना, क्या कहते हैं, भूमिका,
सॉरी भूमिका ने नेहा, उसी तरह से वहाँ पर भी आपके एजुकेशन के लिए कुछ प्लान को डिस्कस किया गया कि भाई इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, ये चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपकी हुई, ठीक है। 1986 में फिर और आपके चेंजेस लेकर के आए, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और चेंजेस हम लेकर के आए, ठीक है। तो इस तरह से चेंजेस आपके होते रहे हैं, अब हम फिर से चेंजेस लेकर के इस वाले में आए हैं। गुड मॉर्निंग दीपा, ओके। अभी एक ही चीज़ के ऊपर, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है भाई, उसी के अकॉर्डिंग तो बच्चे को हम पढ़ाएंगे, पुराने एक जो फिक्स पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग तो नहीं हम चलेंगे। गुड मॉर्निंग है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी थी, ओके। आगे मतलब उसी एक पैटर्न को अगर हम लेकर के फॉलो करेंगे तो बच्चा फिर कैसे सीख पाएगा, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए, अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टडी को लेकर के जितने भी मतलब हम अल्टरनेटिव ऑप्शंस ले सकते थे उन सब को मौका दिया जाए, वर्चुअल लैब का निर्माण किया जाए, मीन्स हम ऑनलाइन लैब वगैरह को एक्सप्लोर कर सकें, है ना, मतलब बुक्स वगैरह होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया गया। पॉइंट लिखिए आकर के, अध्ययन हेतु कई प्रकार के विकल्प चयन का मौका, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपके पास में एक ही ऑप्शन है, आप फिक्स है कि यही हमको पढ़ना है, यही हमको लेना है, इसके अलावा हमारे पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो चीज नहीं हुई। अभी हमारे पास में अल्टरनेटिव ऑप्शंस थे, हम मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, हमको जिस भी स्ट्रीम में आगे जाना है तो वो चीज भी हम कर सकते हैं, ओके। अगला पॉइंट लिखिए, वर्चुअल लैब का निर्माण, ठीक है। ऑनलाइन लैब्स वगैरह के बारे में बात करी गई कि ये भी हो जिससे कि बच्चा किसी भी टाइम पे उनको एक्सेस कर सके, ओके। अगला पॉइंट देखिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मींस हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, ओके। कोई भी पिछड़े नहीं, कोई भी पीछे ना रहे, सिर्फ मेडिकल और लॉ को छोड़कर, ओके, इनको छोड़कर। आइए, यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा आपको, ओके। अब यहाँ पर हम 5+3+3+4 को हम स्ट्रक्चर जो आपका है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ और भी जो चीजें आपकी हुई इसको हम देख लेते हैं, ओके। आइए, चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना किसी भी बच्चे को, आइए तो भाई देख लो आकर के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 5+3+3+4 को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उसको नहीं हमको छोड़ना है। आ जाओ, देखो शुरुआत में 10+2 एडुकेशन चलती थी, मतलब हाई एक से लेकर के हाई स्कूल तक, उसके बाद में 2 साल का आपका इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर क्या इन्होंने किया, इन्होंने इसको डिवाइड किया 5+3+3+3+4 में, ठीक है, इसमें डिवाइड किया। अब इसका भी कुछ मतलब है, 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 हर एक का मतलब है यहाँ पर, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एक आपका आता है जिसको हम कहते हैं मूलभूत चरण, ठीक है, मूलभूत चरण या आपकी फाउंडेशनल स्टेज। इसमें हमारी एडुकेशन आती है कौन सी, पूर्व प्राथमिक, ठीक है, मतलब जो आंगनवाड़ी वाली शिक्षा आपको दी जाया करती थी ना शुरुआत में, वो वाली, ठीक है। और पूर्व प्राथमिक कितने साल तक रहेगी, तो भैया 3 वर्ष तक आपकी रहेगी। और इसमें आपकी क्लास कौन कौन सी ऐड होंगी, भाई 1-2, ठीक है, 3 साल तक आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, कक्षा 1 से 2 तक, ओके। इसमें बच्चे कौन सी एज के आएंगे, तो इसमें बच्चे 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चे आएंगे, और इसमें 5 वर्ष तक का पूरा समय जाएगा आपका,
ठीक है, ये चीज देखो आकर के आरटीई एक्ट में हमारी एज थी 6 से 14 वर्ष, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एज चेंज हुआ, अब इसमें हमने 3 से 18 साल के बच्चों को डाल दिया। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, 3 से 18 साल तक के बच्चों को डाल दिया। ओके, तो इन चीजों को अब हम अलग नहीं कर रहे हैं कि मतलब प्राइमरी एजुकेशन अलग, हम प्री प्राइमरी अलग बात करें और बाकी एजुकेशन को अलग बात करें, सब इंक्लूड कर दिया गया इसमें। पहले अलग अलग होता था बात, लेकिन यहाँ पर सब इकट्ठा हो गया, मतलब पूरी 12th तक की एजुकेशन प्री प्राइमरी से लेकर के सब एक साथ आपकी हो गई। ठीक है, अब दूसरे लेवल को हम किस नाम से जानते हैं, तो दूसरा लेवल आपका जाना जाता है प्रारंभिक चरण के नाम से, प्रारंभिक चरण। ठीक है, इसमें कक्षाएं आपकी आएंगी कक्षा 3, 4 और 5। इसमें एज कितनी जाएगी, तो 8 से 11 साल के बच्चे आपके इसमें आएंगे। ठीक है, और 3 साल आपकी एज इसमें, 3 साल का टाइम आपको लगेगा इसमें। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगला है आपका मध्य चरण, जिसे हम कहते हैं मिडिल स्टेज। ओके, तो मध्य चरण, इसमें क्लासेस कौन सी आएंगी, तो इसमें क्लासेस आएंगी कक्षा 6, 7 और 8। ओके, तो 11 से 14 साल के बच्चे आएंगे इस वाली स्टेज में, और 3 साल तक की आपकी ये एजुकेशन चलेगी। फोर्थ जो आपका, जैसे हम इस फोर्थ के बारे में बात करें, इसे हम जानेंगे माध्यमिक चरण के नाम से। ओके, ये लिख लीजिएगा आप बना करके पूरा। तो इसमें जो कक्षाएं आएंगी वो 9, 10, 11 और 12। इसमें आपकी एज कितनी होगी, इसमें एज होगी 14 से 18 साल तक की बच्चे की एज होगी। इसमें 4 साल लगेंगे इस एजुकेशन को पूरा कंप्लीट करने में। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं हुआ, जल्दी से बता दो भाई एक बार। किसी बच्चे को किसी तरह का डाउट यहाँ तक तो नहीं हुआ है? ऑल क्लियर है? बोलिए भाई, एक बार लाइक भी कर दो अगर सारी चीजें आपको। हाँ, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, डोंट वरी। ओके, समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, इससे बढ़िया नहीं समझ सकते हो? हाँ, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, ध्यान से समझ लेना करके। ओके, आइए देखिए आकर के हमने क्या किया। शुरुआत में ये 10+2 का स्ट्रक्चर चलता था कि 1 से 10 साल की शिक्षा, फिर 2 साल की शिक्षा। ठीक है, ये आपका लास्ट वाली एडुकेशन पॉलिसी में था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने शिक्षा में ढांचा चेंज किया, 5+3+4 को हमने वो लिया। ठीक है, जिसमें हम 3 से 18 साल के बच्चों को डालेंगे। अब हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात नहीं करते हैं, अब इसमें हम प्री प्राइमरी एजुकेशन, मतलब जो आंगनवाड़ी वाली शिक्षा, शुरुआती शिक्षा भी लेंगे, और शुरुआती शिक्षा से लेकर के कक्षा 12 तक की शिक्षा को इसमें हम डालेंगे। तो बेसिकली 3 से 18 साल तक की जो शुरुआत आपकी पूरी एजुकेशन है, वो सब एक साथ हम लेकर के चलने की बात करते हैं। अब इनको हमने स्टेप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो भाई अब देखो आकर के इन 5 का मतलब क्या है। इन 5 का मतलब है ये आपका फाउंडेशनल स्टेज, जिसे हम मूलभूत चरण के नाम से जानते हैं। इसमें आपकी प्री प्राइमरी शिक्षा 3 साल तक आपको दी जाएगी, जो शुरुआती एजुकेशन होती खेल कूद आंगनवाड़ी वाली, वो शिक्षा दी जाएगी, और साथ ही साथ कक्षा 1 और 2 की आपको क्लासेस में दी जाएगी। ठीक है, 3 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो इस एजुकेशन को लेंगे, टाइम आपका लगेगा पूरा 5 साल तक। ठीक है, दूसरा है आपका प्रारंभिक चरण। ओके, यहाँ पर कक्षा 3, 4, 5 तीन क्लासेस आएंगी आपकी, ये जो 3 आपका है, कक्षा 3, 4 और 5 को हम लेंगे। इसमें 8 से 11 साल के बच्चों की एजुकेशन होगी, टाइम लगेगा इसमें 3 साल तक का। ठीक है, अच्छा, ओके पूजा। अब अगले 3 के बारे में अगर हम बात करें, तो इसे हम कहेंगे मिडिल स्टेज के नाम से, मध्य चरण के नाम से इसे हम जानेंगे। ओके, जिसमें कक्षाएं आपकी आएंगी 6, 7 और 8। अब यहाँ पर 11 से 14 साल का बच्चा आपका आ जाएगा, जिसमें एडुकेशन में टाइम लगेंगे 3 साल तक का समय लगेगा। ठीक है, फिर आपका आएगा फोर्थ, ये जो 4 आपके हैं माध्यमिक चरण,
कक्षा 9, 10, 11 और 12, 14 से 18 साल के बच्चे इसमें आएंगे, इसमें 4 साल का समय लगेगा, ठीक है। तो 5 + 3 + 3 + 4 समझ गए, जल्दी से बता दो। 3 तो यही है, 3, 4, 5, 3 क्लास, 3 यही है, 6, 7, 8, 4 यही है, 9, 10, 11, 12 और 5 आपका यही है जिसमें 3 साल प्री प्राइमरी और कक्षा 1 और 2, 3 + 2 = 5 हो गए। एनी डाउट, बोलिए भाई जल्दी से एक बार, सबको समझ में आ गया ना? और प्लीज जल्दी से लाइक कर दो आप लोग एक बार सेशन को। हाँ बेटा आरती, क्लास 10 बजे की है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि शिक्षा में शिक्षा हर एक बच्चे तक पहुंचे, कोई भी बच्चा छूटे नहीं, ठीक है। बाकी मेडिकल और लॉ को तो जिसको मन हो वो अपना डिफाइन करे, जिस डिसाइड करे जिसको तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं, अब कुछ और पॉइंट को डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाभ क्या रहेगा उसको हम देख लेते हैं। ओके आइए, तो इसमें आपकी क्षेत्रीय भाषा तथा प्राचीन भाषा को इंपॉर्टेंस दिया गया, ठीक है, वो महत्व दिया गया। अगला पॉइंट है कक्षा 3 के सभी छात्रों के लिए संख्यात्मक ज्ञान, ठीक है, मतलब मैथ वगैरह, ओके, न्यूमेरिकल जो नॉलेज है आपका, तथा साक्षरता ज्ञान हेतु राष्ट्रीय मिशन योजना बनाई गई। देखो इसमें भी शुरुआत में भाई मातृभाषा के ऊपर फोकस किया गया कि आप शुरुआती जो एजुकेशन है वो आप उसके क्षेत्रीय भाषा में देंगे, उसके बाद आप त्रिभाषा फॉर्मूले को यूज करेंगे। ओके हाँ, तो अगला देखिए आकर के, 2030 तक बीएड डिग्री को 4 वर्ष का किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका बेटा एमफिल की जो डिग्री है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई। ओके आइए अगले हम पॉइंट देखते हैं। अब जो एनसीटीई है, एनसीटीई का फुल फॉर्म आप मुझे लिख करके बताइएगा। ओके देखते हैं किस किस को पता, ये मैंने आपको बताया है, फिलहाल यहाँ पे तो नहीं बताया है। एनसीटीई शिक्षक का मतलब जो टीचर्स आपके होंगे उनका व्यवसायिक मानक तैयार करेगी, ठीक है, कि कैसे टीचर्स को क्या करना है वो सब चीजें प्लान करेगी एनसीटीई। ओके अब आप मुझे इसके बारे में बताएंगे कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, जो लिखेगा ना कल मैं इसको डिस्कस करूंगी एनसीटीई के ऊपर, ठीक है। और बाकी आपको आज कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिख करके जरूर जाना है। ओके यहाँ पर कक्षा शिक्षण के ऊपर फोकस किया गया भाई, क्लास टीचिंग के ऊपर फोकस किया गया और बच्चों में स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर फोकस किया गया, कौशल विकास पर बल दिया गया। देखिए आकर के इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों में अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस को डेवलप करने के ऊपर फोकस किया गया कि भाई अनुभवजन्य शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, अनुभवजन्य शिक्षा पर बल, ठीक है, रोट लर्निंग पे नहीं कि रट्टा आप मरवा रहे हो बच्चे को, आप एकदम है ना रटवा रहे हो, तो उस चीज़ के एकदम अगेंस्ट रहे हैं ये। ओके तो ये चीज़ आपकी हो गई, अनुभवजन्य शिक्षा पर बल दिया गया कि मतलब जो भी आप बच्चे को पढ़ाएं बच्चे को उसका एक्सपीरियंस मिलना चाहिए जिससे कि बच्चा आगे के लिए तैयार होगा। ओके तो ये चीज़ आपकी हो गई, क्लियर है सभी को। अब देखो आकर के बोर्ड परीक्षाओं के ऊपर भी फोकस किया गया भाई,
बोर्ड परीक्षा का एकदम प्रेशर होता है ना बच्चों के ऊपर, मतलब क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो इसके लिए दो परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एग्जाम के बारे में बात करी गई यहाँ पर। ओके वेल, इसको तो नहीं लिखेंगे, इतना यहाँ से आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको हम इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे। ओके ये 5+3+3+4 वाला क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करूंगी हर एक स्टेज को ओपन करके कि किस स्टेज में किस एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, कौन से मतलब शुरुआती 5 में कौन सी एजुकेशन होगी, 3 वर्ष में कौन सी होगी, 6, 7, 8 में हम क्या पढ़ाएंगे, तो इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। ओके आइए, तो भाई लिखिए सब लोग। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे जिसे हम जानते हैं फाउंडेशन स्टेज के नाम से, फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 वर्ष, इसमें कुल 5 वर्ष आपके, ठीक है। एजुकेशन ऊपर मैंने आपको बताया कि शुरुआत में आपको दी जाएगी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है 3 साल तक और कक्षा 1-2 तक की एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें भाई जो फोकस किया जाएगा आपका, वो फोकस किया जाएगा बेटा आपके भाषा कौशल के ऊपर, कि हिंदी इंग्लिश है ना जो भी है बच्चों की, लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। अभी मातृभाषा में ही आपको शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि बच्चा जो लैंग्वेज वगैरह है अपने आस है ना, मदर टंग है या दूसरी जो लैंग्वेज है उनको वो सीख सके। ओके तो ये चीज़ आपका ध्यान दिया जाएगा यहाँ पर। अब अगर हम दूसरे स्टेज के बारे में बात करें, दूसरी जो स्टेज है आपकी जिसे हम जानते हैं प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से, प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है, या तैयारी का स्तर, जिसमें 8 से 11 साल के बच्चों के बारे में मैंने आपको बताया था। टोटल टाइम इसमें आपका कितना लगेगा, 3 साल तक का टोटल टाइम इसमें लगेगा। कितने से कितने क्लास के बच्चे आएंगे, तो भाई इसमें आपके भाई 3, 4, 5 वाले बच्चे है ना, ये लोग आ जाएंगे। यहाँ पर किस एजुकेशन के ऊपर फोकस करेगी, यहाँ पर बेटा संख्यात्मक कौशल के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि बच्चे में न्यूमेरिकल एबिलिटी डेवलप हो सके। ओके संख्यात्मक कौशल पर विशेष ध्यान। ओके और सभी को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान दिया जाए, सभी को जो भी उनकी मदर टंग है, जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज है उसका ज्ञान दिया जाए। ओके तो ये 3, 4, और 5 वाले स्टेज में आपका ये काम किया जाएगा। अब जब हम तीसरे पे पहुंचेंगे, ठीक है, ये भी 3 साल की ही आपको मैंने बताई थी, जैसे हम मिडिल स्टेज के नाम से हमने ऊपर डिस्कस किया था मिडिल स्टेज। एक बार मैं सारे पॉइंट समराइज कर दूंगी, 12, 13, 14 ठीक है वर्ष के बच्चे इसमें आएंगे। अब इसमें कुल 3 साल, कुल 3 वर्ष, ठीक है। आइए तो इसमें आपके 6, 7, 8 तक के छात्र आएंगे, इनकी शिक्षा के ऊपर बात करी जाएगी भाई। कक्षा 6 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। ओके ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, कोडिंग सिखाया जाएगा। ओके ये पॉइंट हो गया। और जितने भी बच्चे हैं उन सबको, सभी को व्यवसायिक इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके रहेंगे मिडिल स्टेज में। मैं एक बार आप सबके कमेंट ले लेती हूँ भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं आया है, सबको सब कुछ क्लियर है, एक बार जरा सा आप बता दीजिए मुझको, एनी डाउट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ डीएलएड खत्म, बीएड आपका 4 साल का हो जाएगा। ओके ओके ओके, अरे नेशनल करिकुलम तो आप फिर एनसीएफ के पास में पहुंच गए, बहुत बढ़िया, सबने आंसर किया था। ओके कह रही मैम मास्टर के बाद बीएड 1 साल की कब से होगी, वो भी आएगा एम्पिल लो। सबको क्लियर है यहाँ तक, एक बार अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, मैं अभी कमेंट आपके देख रही हूँ, ठीक है। लास्ट में जाते जाते आप सबको एक बार प्रॉपर सारे स्क्रीनशॉट दे करके जाऊंगी, आप लिख लीजिएगा एक बार भी बता दो। फोन को बेंड करके अगर देखोगे तो राइटिंग छोटी नहीं लगेगी।
क्लियर है सभी को? बोल तो दो एक एटलीस्ट एक बार कि हाँ मैडम जी क्लियर है। ठीक है ओके बेटा, सिक्स वाले अब डेवलप किया जाएगा ना, ताकि आगे चलकर फिर डीएलएड खत्म का मतलब ये नहीं कि डीएलएड वालों को फिर वैकेंसी में मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन बीएड आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड कर दिया जाएगा, मतलब 4 साल आप तैयारी करिए, बीएड आप पढ़िए, है ना, तो वो चीज आपकी हो जाएगी यहाँ पर। ओके चलिए, तो हमने 3 तक पढ़ लिया, अब हम फोर्थ स्टेज के बारे में बात करते हैं भैया, आपकी जो चौथी स्टेज थी उसको देख लेते हैं। चौथी स्टेज जिसे हम सेकेंडरी स्टेज के नाम से जानते हैं, ओके सेकेंडरी स्टेज, इसमें आपके 8 से 12 साल के बच्चे आ जाएंगे, और कुल आपकी कौन कौन सी आपकी क्लासेस आएंगी, 9th, 10th, 11th और 12th इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास में भाई बहुविकल्पिक पाठ्यक्रम का चयन, मतलब आप अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, कोई फिक्स वो नहीं रहेगा। ओके तो लिखिए बहु वैकल्पिक पाठ्यक्रम का चयन। ठीक है, अगला, छात्र किसी विशेष स्ट्रीम, मतलब कि साइंस या आर्ट के तहत नहीं, बल्कि मन पसंद के अनुसार विषय चुनाव का अवसर मिलेगा। ये नहीं कि साइंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़नी पड़ेगी, या आर्ट है तो पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी यही पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आपको चाहो तो आप उसमें मैथ ले सकते हो, आप उसमें फिर मैथ के साथ में आप अपना पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हो। तो पर्टिकुलर कोई स्ट्रीम नहीं कि आर्ट या साइंस है, आप अपने मन के अकॉर्डिंग आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, मतलब कितनी अच्छी चीज़ हुई है। अब तक की मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी वो यही लगी है ना, हमारे टाइम पे तो फिक्स था कि यही पढ़ना है, इसके अगर साइंस लोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना पड़ेगा, अगर आर्ट होगे तो ये पढ़ना पड़ेगा। अब किसी व्यक्ति को मान लो भाई बायोलॉजी भी पढ़नी है और किसी को आर्ट के सब्जेक्ट भी पढ़ने, तो वो क्या करें, तब यहाँ पर बड़ा फ्लेक्सिबल ये चीज़ आपका हो गया है ना। तो छात्र किसी विशेष स्ट्रीम के तहत नहीं बल्कि मनपसंद विषय चुनाव का अवसर मिलेगा। ठीक है, हम लोग के टाइम पे तो भाई साहब जो है आर्ट में है तो आर्ट वाला लो, साइंस है तो साइंस वाला लो, है ना, बच ही नहीं सकते हो एकदम इसमें। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा, अब हम आगे चलते हैं। ओके, कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए इसमें, उनको हम देख लेते हैं। ओके माध्यमिक स्तर से ही बच्चों के पास होंगे विदेशी भाषा के विकल्प, है ना, मेन सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, आप कोई भी दूसरी विदेशी जो लैंग्वेज है लाइक फ्रेंच है या कोई भी आप लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, आपके पास में ये ऑप्शन होगा। ओके, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आई हैं, ऐसा नहीं कि कुछ है ना सिर्फ नेगेटिव चीज़ें आई हैं। अगली बात अगर हम यहाँ पर करें तो मातृभाषा, मतलब जिस भी जगह हम रह रहे हैं, मातृभाषा कक्षा 5 तक आपको, ठीक है, इसी में आपको शुरुआती एजुकेशन दी जाएगी, और कक्षा 1 से छात्रों को 2 या 3 भाषाएँ भी दी जाएंगी। ठीक है, कक्षा 1 से 2 या 3 भाषा, ओके तो ये चीज आपकी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आपका आया। ओके अब वोकेशनल एजुकेशन के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया, यहाँ पर बेटा आपके जो शुरुआती क्लासेस है वहीं से ही जो आर्ट वगैरह ना, डांसिंग है, पेंटिंग है, इन सब के ऊपर भी जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे जैसे मैंने आपको NCF 2005 में बताया था कि कितने कितने घंटे एजुकेशन, सॉरी होमवर्क के बारे में बात करते हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं,
उससे पहले मैं आपको शिक्षक और छात्र रेशियो के बारे में बताना चाहूंगी कि इसमें शिक्षक और छात्र का रेशियो क्या रहेगा। तो भाई इसमें रेशियो आपका रहेगा 1:30, मीन्स 30 बच्चों पर एक टीचर रहेगा, और जो पिछड़े आपके एरियाज हैं, पिछड़े जो इलाके हैं, वहाँ पर ये रेशियो 1:25 का रहेगा, मीन्स 25 बच्चों पर एक टीचर आपका। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी रोट लर्निंग के एकदम अगेंस्ट है। रिकॉल करना, रट लेना इसके एकदम खिलाफ है। आप समझ करके पढ़िए, इसके ऊपर जोर देती है। ओके, आइए चलिए तो लिखिए भाई। कक्षा 3, 4, 5 को प्रतिदिन 2 घंटे का होमवर्क, ठीक है। कक्षा 6, 7, 8 को डेली 1 घंटे का होमवर्क, ठीक है। तो इनके लिए 1 घंटे का। कक्षा 10th को प्रतिदिन, वो अलग बात है तुम 4 घंटे में कवर कर पाओ, है 2 घंटे का होमवर्क। और LKG UKG वालों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। बेसिकली LKG UKG और कक्षा 1 और 2 को किसी तरह का कोई होमवर्क नहीं मिलेगा। तो मींस क्लास 2 तक नो HW, नो होमवर्क, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपका। ओके, बाकी आपको यहां तक समझ में आया हो तो जल्दी से बता दो। ठीक है, तो नए स्किल्स डेवलप किए जाएंगे, वोकेशनल एजुकेशन आपकी डेवलप करी जाएगी। अब मैं कुछ और पॉइंट लिख देती हूँ आपके लिए जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। नई शिक्षा नीति, लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब स्ट्रीम आप चूज कैसे करेंगे, मीन्स आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, तो स्ट्रीम चयन का आधार एक थीम रखी गई है आपकी, जैसी रुचि वैसी पढ़ाई, ठीक है। तो ये थीम रखी गई है, आप सबको समझ में आई हो तो मुझे बता दीजिए जल्दी से। जैसी रुचि वैसी पढ़ाई। अब आप लोगों के मैं कमेंट देख लेती हूँ कि भाई क्या क्या चल रहा है, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, है ना, वो चीजें मैं देख लेती हूँ एक बार। लाइक तो कर दो एक बारी, सब बेटा सब चलेगा, धीरे धीरे सब कुछ चलेगा, ठीक है। दो एजुकेशन मिल रही है, एक तो नीचे कमेंट, बेटा कमेंट ऑफ कर दो अगर कोई प्रॉब्लम होती है। NCF 2005 का पूरा वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। ओके, अप्लाई हो चुका है नेहा, अप्लाई हो चुका है बेटा। गुड मॉर्निंग, लेट क्यों आ गए आप, ठीक है। तो आप सबको यहां तक समझ में आया हो तो जल्दी से मुझे बता दो भाई, और वीडियो को लाइक भी कर दो, और इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो उनको देख भी आप लोग लो, है ना। मैंने आपको कई सारे टॉपिक कराए हैं, जीन पियाजे पढ़ा दिए हैं, कोलबर्ग की थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी। नहीं शिवी, मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ CDP का है, मैं सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी पढ़ाती हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ाती हूँ आपको, बाकी आपके लिए टीचर्स आपको मिलेंगे जल्द ही। ओके, तो आप लोग बस तैयारी करते रहिए अच्छे ढंग से। सबको क्लियर हो गया हो तो बता दो। NCF 2005 शिवी इसी चैनल पर है। NEP 1968 का कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ओके, तो उसको छोड़ो, जाने दो। होमवर्क बता दो, होमवर्क का हिसाब देखो, कक्षा 2 तक किसी तरह का कोई भी होमवर्क नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और कक्षा 3, 4, 5 को प्रतिदिन 2 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। क्लास 6, 7, 8 को पर डे 1 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा, और कक्षा 10 वालों को प्रतिदिन 2 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। इसी चैनल पर आप लोग क्या करेंगे, आप जाइएगा वहां पर, आप क्लास देखना, ठीक है। मैंने कई सारे टॉपिक आपको कराए हैं। और अब हम लोग कब किस टाइम पे मिलेंगे एक बार मुझे बता दो जल्दी से, टाइम भाई जल्दी टाइम बता दो। 1:30 बजे मिले, 12 बजे मेरी क्लास है। अच्छा हाँ, मैं भूल गई थी, 12 बजे सुपर कोचिंग पे मेरी क्लास है, ठीक है। आप लोग आइएगा,
अगर आपके पास में है तो उसको, नहीं है तो अगर तैयारी करनी है सीटेट की तो परचेज भाई कर लीजिए, ठीक है। कोड लगाइएगा कूपन कोड मोनिका 20, जिससे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट भाई, ठीक है। तो लाइक भी कर दो जल्दी से। बाकी 1:30 बजे मिलते हैं हम लोग फ्री क्लास में, ये फ्री क्लास होगी और शाम 7 बजे भी मेरी आज क्लास है, ओके ठीक है। तो लाइक वाला बटन दबा दो। हाँ शिवी, पेड वाली क्लास है 12 बजे, 12 बजे और शाम 7 बजे पेड क्लास है, ठीक है, और 1:30 बजे फ्री क्लास है, ओके 12 बजे और शाम 7 बजे पेड क्लासेस है जो सुपर कोचिंग में आपको मिलेंगी, और 1:30 बजे वाली फ्री क्लास है, ठीक है। स्लाइड में एक बार आपको दिखा, प्लीज लाइक कर दो भाई, टेक्स्ट बुक ऐप पे ही होगी और कहीं नहीं होगी, ओके। मोनिका 20 कोड बस मत भूलिएगा जब कभी भी आप सुपर कोचिंग को परचेज करेंगे, ओके। क्या कह रहे हो आदित्य? टेस्ट बुक को आप लोग डाउनलोड कर लो अपने फोन में, ठीक है। टेस्ट बुक जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लो, ओके। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था आज, आप लोग जरूर पूरी क्लास देख लेना और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। एक एक चीज मैंने डिस्कस कर दी आपके साथ में, ओके। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, ओके। चलिए तो मिलते हैं हम लोग 12 बजे, 1:30 बजे और शाम 7 बजे, 3 टाइम याद रखिएगा आप सब लोग, ओके। इनको बस मत भूलना, बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बेटा पेड आपको परचेज करना पड़ेगा, ओके। जब आप टेस्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लेते हो तो वहां पर आपको मिलता है क्या, आपको मिलता है एक सुपर कोचिंग का ऑप्शन, जहां पर आप जाकर के जितने मंथ का आपको लेना है उसको आप सेलेक्ट करिएगा। देन आपको क्या करना है, आपको कूपन कोड में मोनिका 20 लिख देना है, उसको अप्लाई कर दोगे तो भाई 20% का डिस्काउंट हो जाएगा, फिर आप ऑनलाइन मोड में उसको पे कर सकते हैं। और जल्दी से आ जाओ, मिलते हैं 12 बजे। सीटेट की तैयारी के लिए आपको अगर जुड़ना है तो टेस्ट बुक एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है तैयारी के लिए, आप लोग जल्दी से मुझे मिलो, ठीक है। खुश रहो भाई, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।